यूपी में दिलचस्प अंदाज देखने को मिला जब चुनाव प्रचार करते हुए आमने सामने आ गए अखिलेश और प्रियंका। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी पार्टियां अपने अंदाज में जोरदार प्रचार कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज बुलंदशहर में वे अपने समर्थकों संग प्रचार कर रही थी, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात हो गई सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से। बता दें कि दोनों अखिलेश और जयंत भी वहां पर प्रचार करने आए थे, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला उनके सामने आया दोनों रुक गए और फिर एक दूसरे की ओर हाथ हिलाया। ये नज़ारा देख दोनों पार्टियों के समर्थक उत्साह में झूमने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अखिलेश ने खुद सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर लिखा है, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। प्रियंका गांधी ने भी जवाब में ट्वीट किया कर लिखा है, हमारा भी राम राम। अब दोनों ही बड़े नेताओं का ये अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि बिना किसी गठबंधन के भी कांग्रेस और सपा के बीच एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ये वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जिस वजह से करहल सीट से कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और अखिलेश यादव को एक खुला मैदान दिया गया है। हसन नगर की सीट पर भी कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, वहां पर सिर्फ पाल यादव को एक आसान जीत दिलवाने की कोशिश है। इसी तरह सपा की तरफ से भी अमेठी और रायबरेली से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, वहां पर कांग्रेस को सीधे बीजेपी से मुकाबला करने का मौका दिया गया है। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं कमेंट कर जरूर बताएं।